दोस्तों, हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जम्मू के कटरा में एक पहाड़ी पर स्थित माँ वैष्णो देवी का पवित्र धाम हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक प्रमुख मंदिर है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आकर माँ वैष्णो देवी के इस पावन धाम के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामनाओं के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। आज की इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही माता वैष्णो देवी का भगवान विष्णु के कल्कि अवतार से क्या संबंध है इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, त्रेता युग में जब धरती पर असुरी शक्तियां बढ़ने लगी तो राक्षसों के आतंक से त्रिदेव भी परेशान रहने लगे, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए वरदान के कारण राक्षसों ने पृथ्वी लोक पर उधम मचा रखा था। असुरों के अत्याचारों को देखकर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती ने असुरों का अंत करने के लिए अपने दिव्य तेज से एक कन्या रूपी देवी को प्रकट किया। इसके पश्चात उस कन्या ने दक्षिण भारत में रह रहे एक विष्णु भक्त रत्नागर सागर के घर में जन्म लिया। मान्यताओं के अनुसार रत्नागर सागर लंबे समय तक निसंतान रहे थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने रत्नागर सागर के घर में दिव्य कन्या का जन्म होगा ऐसा वरदान दिया था। पुत्री के जन्म लेने के एक रात पहले ही रत्नागर ने वचन लिया कि वे अपनी बालिका के इच्छा के रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। इसके बाद रत्नागर सागर के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से ही त्रिकुटा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि रखती थी और कुछ समय पश्चात ही उसे ज्ञान हो गया कि दिव्य ज्ञान केवल तपस्या से ही अर्जित किया जा सकता है। इसके पश्चात जब त्रिकुटा 9 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने पिता से समुन्द्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति मांगी। उनके पिता ने भी त्रिकुटा की बात मानकर उसे तपस्या करने की आज्ञा दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि त्रिकुटा कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित हुई है। इसके बाद त्रिकुटा ने घर त्याग कर समुन्द्र के किनारे अपनी तपस्या को प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद समुन्द्र के किनारे प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए पहुँचे। उनकी नज़र ध्यान में लीन इस दिव्य कन्या पर भी पड़ी। त्रिकुटा भी पहचान गई कि प्रभु श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। प्रभु के दर्शन करके त्रिकुटा ने श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव किया, लेकिन प्रभु श्री राम ने विनम्रता से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन इस जन्म में मैंने केवल सीता को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन लिया है। लेकिन श्री राम ने त्रिकुटा को यह आश्वासन दिया कि जब कलयुग में वे कल्कि अवतार लेंगे, तब वे उनसे विवाह अवश्य करेंगे। और उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की पहाड़ियों में एक गुफा में ध्यान करने को कहा। दोस्तों, माना जाता है कि तभी से माँ वैष्णो देवी उस गुफा में जाकर तपस्या करने लगी और माँ वैष्णो देवी आज भी वहाँ भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में हैं। इसके पश्चात कलयुग में माँ वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर को माता ने सपने में दर्शन देकर उस गुफा के बारे में बताया और इसके बाद पंडित श्रीधर द्वारा वैष्णो देवी का मंदिर बनवाया गया, जिसके दर्शन करने के लिए आज लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी धाम पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए माँ वैष्णो देवी ने नवरात्रि का कठोर व्रत रखा था। इसी कारण से नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ किया जाता है। प्रभु श्री राम ने ही त्रिकुटा को वैष्णवी नाम प्रदान किया था और वचन दिया था कि समस्त संसार माँ वैष्णो देवी की आराधना करेगा और त्रिकुटा को वैष्णो देवी के नाम से पूजा जाएगा और वे अपने भक्तों की समस्त पुकार को सुनकर उनका उद्धार करेगी। दोस्तों, अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के परम भक्तों में से एक हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय माँ वैष्णो देवी।